स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अपने हक के लिए लड़ना, बोलना, सीखना, मगर आज ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज के खिलाफ सब लोग बाहर निकले हैं। तलबा यूनियन को बहाल किया जाए, यूनिवर्सिटियों में तलबा को हरास किया जा रहा है, फीसेस बढ़ा दी जाती है, उनके हॉस्टल्स के मसाइल, 6 बजे के बाद लड़कियों को बैठ जाना अलाउ नहीं किया जा रहा। इंतजामिया ने अपनी एक बादशाही बनाई हुई है, वहाँ पे अपना राज बनाया हुआ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुझे बताइएगा आपके क्या इश्यूज हैं स्टूडेंट्स को लेकर। सबसे पहला हमारा बड़ा इशू ये है कि स्टूडेंट यूनियन बैन क्यों है। सिंध में लास्ट ईयर रिस्टोर हो गई है लेकिन पंजाब में क्यों नहीं हुई। 40 साल होने के, फरवरी में 40 साल हो जाएंगे, लेकिन किसी जमहूरी हुकूमत ना नून लीग, पीपल पार्टी, जिसकी भी पंजाब में हुकूमत आई है, किसी ने स्टूडेंट यूनियन पे कोई काम नहीं किया है। ना इन्हें रिस्टोर किया जा रहा है, ना तलबा के इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए और जल्द अज जल्द पूरे मुल्क में तलबा के इलेक्शन करवाए जाएँ। दूसरे नंबर पर जो वाकया पेश आया है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, साफ और शफाफ, और जो उसके सजादार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा मुतालबा ये है कि जो तलबा के हॉस्टल हैं वो पूरे 9 बजे बंद कर दिए जाते हैं, वो टाइमिंग चेंज की जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों में तलबा को हरास किया जा रहा है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा हमने काम किया है, वो कोई नहीं काम किया जा रहा, ठीक है ना। आप किस यूनिवर्सिटी से? मैं जी सी यूनिवर्सिटी से हूँ। जी सी में आपको किन मुश्किल का सामना? जी सी में मुश्किल का नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो हमारी डिमांड है तलबा यूनियन को बहाल किया जाए। किन मुश्किल का सामना है? हर साल नवंबर में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च करते हैं, तलबा यूनियंस जो है वो बैन है, जिसकी वजह से तालिब इल्मों को कैंपसेस में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी फीसेस बढ़ा दी जाती हैं, उनके हॉस्टल्स के मसाइल, उनकी लाइब्रेरीज जो हैं, फीमेल जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाइब्रेरीज ही बंद हो जाती हैं। जब उनके हॉस्टल्स ही 6 बजे बंद हो जाएंगे तो वो लाइब्रेरी में स्टडी कैसे करें। जो तलबा यूनियन है उनको एक तो बहाल नहीं किया जा रहा हमारे हॉस्टल में, टाइमिंग का बहुत इशू है, 6 बजे के बाद लड़कियों को बैठ जाना अलाउ नहीं किया जा रहा, और हरेसमेंट वगैरह भी लड़कियां बहुत फेस कर रही हैं। आप सबको सिर्फ बाहर निकलने का इश्यू है या इसके अलावा जो फीसिस इंक्रीज हो रही हैं उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पड़ रहा है, हमारी फीसिस भी लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से बिफोर सेमेस्टर में डबल फीसिस आ रही हैं, पहले से हॉस्टल की फीसिस बढ़ी हैं, मेस की फीसिस बढ़ी हैं। अब आप चाहते क्या हैं, आपका मेन मोटिव क्या है? हमारे मेन मोटिव ये है कि हमारे जो हमारे राइट्स हैं, जो मांग रहे हैं वो हमें दिए जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले जो है तो इंतज़ामिया का बड़ा मसला है, इंतज़ामिया ने अपनी एक बादशाही बनाई हुई है, वहाँ पे अपना राज बनाया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के मतलब इकट्ठे बैठ नहीं सकते, एसोसिएशन पर उनका मसला होता है, पश्तूनों को और बलोचों को तालीम हासिल करने देते नहीं है, वहाँ से दूर दूर के इलाकों से आ जाते हैं, यहाँ पर जो है इंतज़ामिया उनके लिए मसला बना रही होती है। किस यूनिवर्सिटी से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट कॉलेज, क्या इशू है वहाँ पर? आप फीसिस इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर, स्टूडेंट्स का उसमें कोई जो है ना पार्टिसिपेशन नहीं है, और हम समझते हैं कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी के जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन। अच्छा, जब ये फीसिस इंक्रीज हुई हैं तो बच्चों ने बड़े धरने वगैरह दिए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर निकले, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की बात नहीं सुनी गई, यूनिवर्सिटीज़ में उन पर तशद्दुद किया गया या डराया धमकाया गया और बच्चों ने सारा काम छोड़ दिया, तो अब ऐसे बाहर निकलने से आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस स्टूडेंट मार्च के अंदर आपका क्या करदा? देखिए जी, मेरा तल्लुक जो है विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से है, और मैं समझती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बुनियादी हक है कि वो तलबा यूनियंस बनाएं, अपने राइट्स के लिए काम करें, और स्टूडेंट्स के लिए जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अपने आप को ग्रूम नहीं करते। मेन इशू क्या है स्टूडेंट्स का? मेन इशू यही है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उनकी अपनी यूनियंस होनी चाहिए, हरासमेंट कमेटियाँ होनी चाहिए, अगर लेडीज़ तलबा को, औरतों की को मसले मसाइल हैं, हरासमेंट के मसले हैं, अपने जो दूसरे इश्यूज हैं उनको वो अपनी यूनियंस में जाके खुल के बात कर सकें, ये उनका जो जमहूरी और बुनियादी हक है जो तलबा को मिलना चाहिए। जो ये तंजीम साजी है, तंजीम साजी को हुकूमत ने अभी तक बहाल नहीं किया। जो सबसे मेन मोटिव यहाँ पर ये तलबा लेने आए हैं, लेकर आए हैं, वो यही है कि इसको जल्द अज जल्द खोला जाए। आर्टिकल 19 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हर तलबा को ये आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट ऑफ एसोसिएशन तलबा को ये हकूक देता है कि वो तंजीम साजी कर सकते हैं पाकिस्तान में रहकर, और उसको चला भी सकते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता।